कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। इस टॉपिक का टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं किया जाएगा, उसकी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन क्या होगी, सब्जेक्ट दी परफॉर्मेंस ऑफ परचेजर एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेलर। तो सेलर के हवाले से और परचेजर के हवाले से दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन क्या होगी, कि ए पार्टी की ऑब्लिगेशन क्या होगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, नीड नॉट टू बी परफॉर्म इस टॉपिक के हवाले से, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रिवोक किया जाएगा, या वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है या वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, या बी पार्टी की तरफ से एट दी ऑप्शन ऑफ बी पार्टी, तो बी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेगी, या उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक किया गया है, तो सब्जेक्ट दी रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर दी ऑब्लिगेशन ऑफ बी पार्टी, तो बी को परफॉर्म किया जाएगा या उसको रिवोक किया जाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या बनती है, एट द ऑप्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ए पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या बनती है, सब्जेक्ट द वाइड कॉन्ट्रैक्ट बी पार्टी की ऑब्लिगेशन क्या बनती है, ए पार्टी की ऑब्लिगेशन क्या बनती है। तो ये दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन के हवाले से इस पूरे टाइटल को डिस्कस किया गया है। तो इस टाइटल के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड इज डिस्कस फ्रॉम सेक्शन 62 to 67। टोटल 6 सेक्शन इसमें डिस्कस किए गए। तो इस पूरे हम जो है पार्ट को या इस टाइटल के हवाले से डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट द रूल्स एंड रिगार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं किया जाएगा पार्टीज़ के दरमियान वो। इसमें 3 किस्म के एलिमेंट को डिस्कस किया गया, सब्जेक्ट द रूल्स एंड रिगार्डिंग, जो हम सेक्शंस में चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है एक इनोवेशन, इनोवेशन के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट इज इनोवेशन, तो इनोवेशन को हम डिस्कस करेंगे। रिसेशन, रिसेशन के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट में रिसेशन होती है तो पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या होती है। एंड नंबर 3 अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट में आप अल्टर करते हैं कुछ, अल्ट्रेशन के हवाले से सब्जेक्ट दी टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट दी टाइम बीइंग, तो उस टाइम बीइंग के हवाले से कुछ टाइम को एक्सटेंड करते हैं, टाइम के लिमिटेशन टाइम पीरियड को एक्सटेंड करते हैं। पेमेंट के हवाले से आप जो है उसमें अल्ट्रेशन करते हैं कुछ ऐसी सरकमस्टांसिस पे जो ज़रूरत पड़ जाती है पार्टीज को, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन करती है, या कॉन्ट्रैक्ट में एक नई चीज़ को जो ऐड करना, किसी नई पार्टी को ऐड करना, या ऐसी कोई नए टर्म्स और कंडीशन को ऐड करना, तो इसी हवाले से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के दरमियान हो